एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। और हम जो है बैठे हैं बाहर। क्यों बैठे हैं? क्योंकि कभी कभी जो है ना साथ में बैठना बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए बस बैठे हुए हैं। और बच्चे जो है बाहर खेल रहे हैं, और मम्मी जो है बाहर कुर्सी पे बैठी हुई हैं। क्योंकि बाहर जो है ना अभी के टाइम पे कॉलोनी के जितने भी ये हैं सब बाहर रहते हैं, तो बाहर उनको बैठ के देखने में बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे जो है अपना क्रिकेट या हॉकी खेलता है, और एंजल जो है अपना कुछ कुछ खेलते रहती है धूल मिट्टी से। तो देखिए मैं जो है यहाँ बैठी हुई हूँ, और वो जो है गुलाब हम जो लेके आए थे वो वहाँ मिट्टी में लगा है। और एक हिबिस्कस ओल्ड का गुड़हल का जो फूल था वो हमने गमले में लगाया है। तो ये है मेरा बरांडा। देखिए अभी मैंने फिर से साफ किया है, फिर से मैं इसको साफ करके अच्छे से तब यहाँ बैठी हूँ। और इधर जो है प्लांट, तो प्लांट के बीच में बैठना भी बहुत अच्छा लगता है। और ये जो है ऊपर ये हिबिस्कस है, तो ये जो है ना बहुत हेल्पफुल है मेरा हिबिस्कस, क्योंकि पूरे कॉलोनी का जो है ना पूजा इसी के फूल से होता है। फ्रीज पर है 100 रुपीस, ले लो। है खुला क्या? 15 सिर्फ 15 है। ग्रीन। तो फ्रेंड्स आज जो है मैं डिनर बनाऊंगी बैगन और टमाटर का भरता। और आज दिन में बनाए थे छोला, चावल, लाल साग और बैगन फ्राई बना था। और आज ना कल से ही मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब तो सर इतना दर्द हो रहा, मन कर रहा कोई रहता ना तो खाना बना देता कम से कम, मगर कोई हेल्प नहीं करने वाला, तो खुद का काम खुद करने वाला, यानी खुद का काम खुद करो। फाइनली जो है हमारी बड़ी बन गई है, एक दिन दो दिन मिला के सूख गई है। अब जो है इसको इसमें डाल देते हैं सूप में, ताकि रोज जो है धूप लगा दूंगी। देखिए लग रहा है ये बहुत कम है, मगर आपको पता है ये कम से कम आपका 500-600 का होगा, 500-600 से भी ज्यादा का होगा, क्योंकि 4-5 जो है आपको देगा 20 या 25 रुपए का, 4-5 पीस। तो अगर आप खुद मेहनत करते हैं तो बहुत सारा हो जाता है, और काफी हो गया। और पहला बार मैंने जो है इसे बनाया, बहुत अच्छा लगा, और अब जो है आप खुद भी बना सकती हैं।
क्योंकि अगर सफ़ेद पेठा ना भी रहे ना, कोहरा जो हम लोग बोलते हैं, तो उसके बिना भी बनता है, मगर वो उसको डाल के बनाने से जो है ना थोड़ा स्वाद जो है, थोड़ा फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है, तो इसीलिए जो है वो डाला जाता है। अभी जो है ये 3-4 दिन मैं इसे और सुखाऊंगी, 3 दिन सूख गया है, मगर 3-4 दिन और इसे सुखाऊंगी। और अब न गए हैं चूड़ा और चूड़ा तो है बादाम और किशमिश लाने, मैं आज खाऊंगी भुजिया क्योंकि बहुत हेडक रखी है, बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं खाना कैसे बनेगा, मगर बनाना तो पड़ेगा ही। हाँ, हस्बैंड रहते तो जरूर बना देते, कुछ हेल्प जरूर वो कर देते हैं। ये रहा बादाम और इसमें है किशमिश, अंदर प्याज का। Thank you.
जहाँ मेरा पैर हो रहा है दर्द। तो अभी अब जो है अपनी मम्मी का सेवा कर रहा है, अच्छा बच्चा है। आज मेरी काफी हेल्प इसने कराई है खाना बनाने में भी। तो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग एंड वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।